हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर ऑफ फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, तो इसके ऊपर एक टावर लगा है, ये हो गया टावर। तो जो टावर का फुट है, टावर का बॉटम है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 45 डिग्री का, और जो टावर का जो टॉप है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 60 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको नेमिंग कर देते हैं, तो ये हो गया ए बी सी एंड डी। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ए बी फाइंड आउट करना है जो टावर की हाइट है। तो हाइट ऑफ टावर लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। हम ए सी में से बी सी को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी टावर की हाइट ए बी वो आ जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले बी सी डी ट्राइंगल लेंगे और उस ट्राइंगल से हम इसका बेस को फाइंड आउट कर लेंगे। जब इसको बेस को हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसकी मदद से हम ये पूरी जो टावर प्लस बिल्डिंग की हाइट है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम पूरी टावर और बिल्डिंग की हाइट में से बिल्डिंग की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारी टावर की हाइट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, सबसे पहले हमें बी सी डी ट्राइंगल लेना है। तो बी सी ट्राइंगल में कितने डिग्री का एंगल बनना है, 45 डिग्री का। तो टेन 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। यहाँ पर हमने टेन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमें बेस को फाइंड आउट करना है, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है टेन में यहाँ पर। तो हमने लिख दिया टेन 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी, और बी सी हमारा परपेंडिकुलर है, डी सी हमारा बेस है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन डी सी। तो बी सी की वैल्यू हमें 20 गिवन है और डी सी को हमें फाइंड आउट करना है, तो बी सी को हमने 20 लिख दिया अपॉन में डी सी एज इट इज़। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा डी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहाँ पर हमारी डी सी की वैल्यू है वो 20 मीटर आ गई है। तो अब हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, अब हम इस वाले ट्राइंगल को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमारी डी सी हाइट आ गई, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20 मीटर। अब इसकी मदद से हम इस पूरे बिल्डिंग और टावर इसकी हाइट को फाइंड आउट करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, अब ए सी डी ट्राइंगल को ले लिया है, तो इसमें भी हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है टेन में, तो टेन 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। ए सी हमारा हो गया परपेंडिकुलर और डी सी हमारा बेस है, तो ये हमने लिख लिया। तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन 20। तो यहाँ पर ए सी हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने ए सी एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 20 हमें गिवन है बेस, तो हमने 20 लिख दिया। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो यहाँ पर हमारी जो ए सी की वैल्यू है वो 20√3 मीटर आ गई है, और ये जो ए सी निकल के आई है ये टावर और बिल्डिंग दोनों की हाइट है। अब हम इसकी हाइट में से बिल्डिंग की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी टावर की हाइट आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर टावर की हाइट को देखते हैं। तो हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। हमारी टावर की हाइट है वो ए बी है, और ए बी को कैसे आएगी, जब हम ए सी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी ए बी आ जाएगी। तो अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ए सी हमारी 20√3 अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो 20√3 माइनस 20। यहाँ पर बी सी को हम फाइंड आउट कर सकें, वो है 20 मीटर, तो ये हमने लिख दिया 20√3 माइनस 20। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 20 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 20√3 माइनस 1। यहाँ पर हमने 20 को कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया हमारा 20√3 माइनस 1 मीटर। मीटर आपको यूनिट जरूर लिखना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब आपको यहाँ पर लिख देना है, देयरफोर हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर।